हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपकी आज 8th क्लास की मैथ की क्लास लेने जा रहा हूँ, 8th मई की आज मैथ की क्लास आपकी लेने जा रहा हूँ। गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल द्वारा पिछले एक महीने से आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज ली जा रही हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप हमारे ऑनलाइन चैनल के साथ साथ चलिए अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी अगर नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके फ़ोन पर हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें। आपको मैं एक्सरसाइज 2.2 के 7 क्वेश्चन तक यस्टरडे क्लास में मैं करवा चुका हूं। नेक्स्ट आज 8th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 8th क्वेश्चन क्या है? द कंसिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट वेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली एंड एड अप टू 74 फाइंड द नंबर्स। आपको करना क्या है कि वो कहता है कि कुछ इंटीजर्स लीजिए जो कंटिन्यूस हों, कंसिक्यूटिव इन नंबर्स। कंसिक्यूटिव नंबर्स वन मतलब बढ़ते हुए क्रम में आगे लगातार, उनको आपको मल्टीप्लाई करना है 2, 3 और 4 से। हमने मान लिया कि नंबर ले लिया हमने x, x+1, x+2, यानी एक x पहला हो गया, उससे एक जात फल एक्स्ट्रा दो नंबर हो गया, उससे एक एक्स्ट्रा तीन नंबर हो गया। अब उसको क्या करना है? वो कहता है कि इनको कंटिन्यूसली 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से इसको कर दिया, 3 से इसको कर दिया, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इसका सोल्यूशन आ गया 2x, 3x+3, 4x+8 और इक्वल टू 74। वो कहता है इन सब का एडिशन क्या है? 74 है। 9x+11 इक्वल टू 74, 9x 11 इधर आके माइनस के हो जाएंगे 63। अब x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। तो x हमने पहला माना है 7, दूसरे में 1 जोड़ दिया 8, तीसरे में 1 जोड़ दिया 9। तो हमारे पास तीनों इंटीजर्स कौन से आ गए? 7, 8, 9। सेकंड क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ राहुल एंड हारोन्स एज। दो व्यक्ति हैं राहुल और हारोन, उनकी एज है 5, उनकी एज का रेशियो है 5:7। उनकी एज का क्या रेशियो है? 5:7। लेट्स नंबर 5x और 7x। हमने मान लिया कि वो उनकी एज, एक की 5x है और एक की 7x, हमने मान लिया। आफ्टर 4 ईयर देर एज, वो उसने कहा कि इन 4 साल बाद इन दोनों की एज का जो एडिशन है, जो जोड़ है, वो 56 हो जाएगा। हमें ये भी बता दिया क्वेश्चन में कि आफ्टर 4 ईयर इन दोनों की एज का एडिशन है जो, वो 56 हो जाएगा। आफ्टर 4 ईयर इसकी क्या हो जाएगी? 5x+4 और प्लस इसकी क्या हो जाएगी? 7x+4 इक्वल टू 56। 5x और 7x कितने हो गए? 12x+8 इक्वल टू 56। 12x इक्वल टू 56 माइनस 8, 12x 48 अपॉन 12 4 आ गया। अब x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल 20 ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ हारून 28 ईयर। दोनों की प्रेजेंट एज पूछी है, एक की 20 है और एक की 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इन क्लास बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो, एक क्लास बताई हुई है आपकी, उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? 7:5 है। अब ऊपर वाले जैसा ही है ये सेम। लेट्स नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, हमने नंबर मान लिया 7x एंड 5x। क्या मान लिया नंबर? 7x एंड 5x। अब 7x इक्वल टू 5x+8। अब 5x+8 क्यों माना? कि वो कहता है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 8 ज्यादा है, ये कह रहा है 8 ज्यादा है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 8 ज्यादा है। तो हमने लड़कियों में 8 जोड़ दिए तो इसका मतलब इक्वल हो गए ना दोनों ये। अब क्या है, इसको हम फिर रूटीन में करेंगे। 7x इस x को जब हम इधर ले जाएंगे माइनस के हो गए 5x इक्वल टू 8, 2x 8 अपॉन 2 4, x का मतलब क्या हो गया 4। बॉयज कितने हो गए? 7 into बॉयज की संख्या होगी 7 into 4, 28, गर्ल्स की होगी 5 into 4, 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायचुंग की एज और बायचुंग की फादर की एज और बायचुंग के ग्रैंड फादर की एज दी हुई है। वो कहता है कि बायचुंग की एज से बायचुंग का फादर है जो 29 ईयर बड़ा है
और बायोचिन का ग्रैंड फादर है जो उससे भी 26 ईयर बड़ा है, फादर से भी 26 ईयर बड़ा है, तो हमने सबसे पहले बायोचिन की एज को ले लिया, लेट्स बायोचिन की एज एक्स, एक्स मान ली, बायोचिन के फादर की एज क्या होगी, एक्स प्लस 29, क्या होगी, एक्स प्लस 29, यानी बायोचिन के फादर की एज उससे 29 ईयर बड़ी है बायोचिन से। फिर नेक्स्ट है बायोचिन के ग्रैंड फादर की एज क्या होगी, जो बायोचिन की एज है उससे 26 ईयर बड़ी है, इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, x प्लस 29 प्लस 26। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 इक्वल टू 135। वो कहता है कि इन तीनों की एज का जो योग है, जो जोड़ है वो 135 है। अब 3x और इनको हमने इधर ही एडिशन कर लिया, 84 इक्वल टू 135, 3x equal to 135 minus 84, 3x equal to 51, x equal to 17। अब हमने बायोचिन की एज निकाल ली, बायोचिन की एज कितनी है 17, और फादर की एज उसमें 29 ऐड कर दो 46, ग्रांड फादर की एज उसमें 46 में 26 ऐड कर दो 72 ईयर। तो उसने ये पूछा है कि तीनों की करंट एज क्या है, वो हमने निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स रवि प्रशांत एज इज एक्स, रवि प्रशांत की जो एज है, रवि प्रेजेंट एज इज एक्स, रवि की प्रेजेंट एज है जो एक्स है, वो कहता है कि 15 साल बाद उसकी एज क्या होगी, एक्स प्लस 15, उसकी चार गुना हो जाएगी, प्रेजेंट एज की चार गुना हो जाएगी, एक्स प्लस 15 15 साल बाद है, प्रेजेंट एज की चार गुना कर देंगे तो 4x हो जाएगी, 15 साल बाद प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाएगी। अब 15 एक साइड में ले लिया, 4x माइनस x, 15 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 5 ईयर, तो उसके x की वैल्यू क्या आ गई, 5 ईयर होगी, रवि की प्रेजेंट एज क्या है 5 है, ठीक है। लेट्स रैशनल नंबर इज x प्लस 1, x अपॉन 1, वो कहता है कि एक रैशनल नंबर लीजिए, कोई भी रैशनल नंबर मानिए, उसको 5 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 अपॉन 3 उसमें ऐड कीजिए, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 7 अपॉन 12। आपने कोई भी रैशनल नंबर मानना है, मैंने x अपॉन 1 माना है रैशनल नंबर, वो कहता है उसमें 5 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 अपॉन 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 अपॉन 3 एडिशन कर दिया, इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 12, तो इक्वल हो गया ये। जब हमने इसको, अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको 5x अपॉन 2 हो गया, फिर प्लस इसमें 2 अपॉन 3 ऐड कर दिया, इक्वल ये रिजल्ट हो गया। फिर इसका हमने एलसीएम लिया, 2, 3 जा 6, 2, 3 जा 6, 3, 5 जा 15, 3, 2 जा 6, 2, 2 जा 4, तो 15x प्लस 4 अपॉन 6 माइनस 7 अपॉन 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 180x प्लस 48 माइनस 42, 180x इक्वल टू माइनस 42 माइनस 48, 180x माइनस 90, x इज इक्वल टू माइनस 90 अपॉन 180, यानी माइनस 1 अपॉन 2 इंटीजर्स होगा, जो रैशनल नंबर हमने x माना है ना, इसकी वैल्यू, इस x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 अपॉन 2, इस x की वैल्यू हमने निकाल दी, और उस x की वैल्यू उसने हमारे से करवाई थी। तो आपके 2.2 में टोटल 16 क्वेश्चन है, आपको 16 के 16 करने हैं, लगभग मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, आप 8th क्लास में हैं ऑलरेडी, आप कर सकते हैं इनको, आगे के क्वेश्चन भी आपको जो दो पेंडिंग रह गए हैं वो आपको करने हैं। आज का आपका होमवर्क है 2.2 को कंप्लीट करना अपनी फेयर नोटबुक में।